टू अनदर वीडियो. मैं हूँ मोमिता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और एक स्टाइलिंग वीडियो. आज की वीडियो पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं कलर कोऑर्डिनेशन के बारे में. लाइक येलो के साथ आप कौन सी कलर की टॉप या फिर ब्लाउज को टाई अप कर सकते हो. स्टार्ट करने वाली हूँ विद अ येलो एंड व्हाइट कलर पेयर. आज मैं स्टाइल करने वाली हूँ ये येलो कलर की प्लेन खादी कॉटन साड़ी जिसमें कोई भी वर्क नहीं है. एक्सेसरी अगर आपके पास है तो आप इसको ना कोई भी कलर के साथ स्टाइल अप कर सकते हो. कैसे करोगे आज की वीडियो पे शेयर करूंगी, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कलर कोऑर्डिनेशन के बारे में, जैसे कि ये येलो कलर के साथ आप कौन सी कलर की ब्लाउज या फिर टॉप को कैरी कर सकते हो. फॉर माय लुक नंबर वन मैंने पेयर अप किया है एक येलो कलर की साड़ी के साथ व्हाइट कलर की टॉप. ये एक फुल स्लीव व्हाइट कलर की क्रॉप टॉप है. मैं यूजुअली क्रॉप टॉप नहीं पहनती हूँ बट मैं साड़ी के साथ एज ब्लाउज पहनती हूँ. इस पे सामने ऐसे स्क्वायर नेक है एंड दिस इज द हाइट ऑफ द टॉप. बट मुझे साइज में थोड़ा सा इशू आया है, थोड़ा सा मुझे लूज हो रहा है, आई नीड टू ऑल्टर इट. और मैंने इसको लिया था फ्रॉम अमेजॉन, लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. व्हाइट ऐसा एक कलर है कि आप कोई भी कलर के साथ इसको मैच कर सकते हो. तो येलो एंड ये व्हाइट की कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा था और इसको मैंने थोड़ा सा कलरफुल बनाया है यूजिंग अ अफगानी ज्वेलरी. अगर आपके पास ब्लैक पॉलिश है तो आप वो भी पहन सकते हो, बट मुझे लगा कि इसके साथ थोड़ा सा कुछ मल्टी कलर यूज करना जरूरी है, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर दिस नेकलेस. और ज्वेलरी के बारे में एक चीज बता दूं, बहुत लोग पूछ रहे हो ऑल आर आइटम्स आर फ्रॉम माई ओन ज्वेलरी बिजनेस बट दीज आर ऑल ओल्ड आइटम्स. तो अभी आपको ये सब आइटम नहीं मिलेंगे. हेयर में मैंने किया है पोनीटेल और मैंने एक नोज पिन भी पहना है. उसके साथ लिपस्टिक के लिए आई वेंट फॉर अ रेड लिपस्टिक विच इज बाय द ब्रांड प्लम एंड दिस इज इन द शेड 126. विंटर मीन्स कोल्ड वेदर, लो ह्यूमिडिटी, दैट मीन्स आपकी स्किन हो जाता है ड्राई, डल एंड फ्लिकी. टू ट्रीट दिस इशू यू कैन यूज आयुका 10% कुमकुमादी स्किन रेडियंस फेस सीरम विच नॉट ओनली हेल्प्स इन डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन बट ऑल्सो प्रोवाइड्स डीप स्किन मॉइस्चराइजेशन. द सीरम इज लाइट वेट एंड नॉन ग्रीजी एंड इट्स एन ऑयल बेस्ड सीरम. पेनिट्रेट्स डीप इनटू द स्किन एंड इम्प्रूव द मॉइस्चर लेवल ऑफ योर स्किन. द की इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट इज सैफ्रॉन एंड लोटस एक्सट्रैक्ट. यू नीड टू क्लीन योर फेस, अप्लाई 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द कुमकुमादी फेस सीरम, स्प्रेड इट इवनली all over the face and neck and you have to massage it gently until it gets absorbed. The brand Ayuga is an Ayurvedic brand that is reviving age-old recipes in modern skincare formats. What only existed in the form of oils and powders are now available in the form of serums, night gels and moisturizers. All the Ayuga products are certified as toxin-free by MadeSafe and these are all PETA certified as cruelty-free. The products are available on ayuga.in, Amazon, Nykaa and Flipkart. You can use my coupon code for 20% discount on your purchase. So that's about my look number वन. अभी चलिए बात करते हैं लुक नंबर टू के बारे में. नाउ येलो एंड रेड की कॉम्बिनेशन आप सबको पता ही होगा. मैंने पहना है ऐसा एक क्रॉप टॉप. अगेन आपके पास अगर ब्लाउज है तो आप ब्लाउज पहन सकते हो बट आई थिंक ऐसे क्रॉप टॉप्स के साथ साड़ी बहुत स्टाइलिश लगता है. तो ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से परचेज किया था बहुत दिन पहले. अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और ये पूरा क्रॉप टॉप भी नहीं है, स्टैंडर्ड साइज में है. मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगता है. इसमें आपको बहुत ही डीप नेक मिलता है जिसके साथ आप कोई भी हेवी नेकलेस पहन सकते हो. एंड फॉर टुडेज लुक मैंने पहना है एक ऐसे अफगानी चोका जिसमें मिरर एंड मीनाकारी वर्क किया हुआ है. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है बट एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा हेवी एक नेकलेस है. बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हो ऐसे नेक पीसेस बट अगर आप कोई भी डीप नेक वाला ब्लाउज पहनते हो उसके साथ आप हेवी एक नेकलेस पहने हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बहुत अच्छा लगेगा. तो ये जो ओवरऑल लुक था ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. हेयर को मैंने सिंपल रखा है, पीछे मैंने एक येलो कलर की फ्लावर ऐड किया है. मुझे एक्चुअली फ्लावर्स यूज़ करना काफ़ी पसंद है, रियल हो या फिर फेक फ्लावर्स हो. तो ये क्योंकि एक बहुत ही हेवी सा नेकलेस है तो इसके साथ मैंने कान पे कुछ नहीं पहना है और नाक पे मैंने एक छोटा सा नोज पिन पहना है. अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो. आज मैं स्पेशली येलो कलर के साथ लुक शेयर कर रही हूँ क्योंकि सामने ही सरस्वती पूजा है एंड मे बी आप में से बहुत सारे लोग येलो कलर को चूज करने वाले हो एज देयर सरस्वती पूजा लुक. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. रॉयल ब्लू एक डार्क एंड ब्राइट कलर है एंड येलो एक लाइट एंड ब्राइट कलर है एंड ये दोनों की जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही अच्छा लगता है. मैंने पहना है रॉयल ब्लू कलर की ब्लाउज, डिजाइन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. पीछे मैंने ऐसे डिजाइन रखा है, बहुत ही सिंपल है बट पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है. सामने है नॉर्मल ऐसे राउंड नेक और सामने यहाँ पे बटन सिस्टम मैंने करवाया था और ग्लास स्लीव है ब्लाउज पे. ये मेरी एक साड़ी की ब्लाउज पीस है, उसको मैंने बनवाया है टेलर से एंड ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. स्पेशली ये जो कलर है इसके साथ आप ब्लैक पॉलिश ज्वेलरी पहन सकते हो, लॉन्ग या फिर आप चोकर पहन सकते हो. मैंने चूज किया है एक ब्लैक पॉलिश की लोटस चोकर, अगेन मेरी ज्वेलरी स्टोर से ये था. तो ये है चोकर, बहुत ही सुंदर एक चोकर सेट. इसके साथ इयररिंग तो मेरे पास नहीं था, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर
दिस पेयर ऑफ ब्लैक पॉलिश इयररिंग. मैं यूजुअली नोस्पिन वेयर नहीं करती हूँ, बट ये जो लुक्स मैंने क्रिएट किया है नोस्पिन इसके साथ काफी अच्छा लग रहा था. टू कम्प्लीट दिस लुक मैंने पहना है एक न्यूड कलर की लिपस्टिक एंड यू कैन सी द लुक की कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है. लिंक्स जो है प्रोडक्ट की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिपस्टिक एंड टॉप की, आप एक बार चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नेक्स्ट जो कलर कॉम्बिनेशन शेयर करने वाली हूँ वो भी एक बहुत कॉमन कलर कॉम्बिनेशन है, दैट इज येलो एंड ब्लैक. ब्लैक एक बहुत ही डार्क कलर है, उसके साथ आप कोई भी ब्राइट लाइट कलर की ड्रेस को पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर कॉम्बिनेशन. सो ब्लैक के लिए आई वेंट फॉर दिस प्लेन ब्लैक ब्लाउज जो मैंने रिसेंटली बनवाया है टेलर से, और इस पर मैंने ऐसे पफ स्लीव रखा है. अभी मुझे पफ स्लीव काफी पसंद आ रहा है, उस पर मैंने लेस भी ऐड करवाया है दोनों लेयर में, दोनों डिफरेंट डिजाइन की मैंने लेस भी यहाँ पे लगवाया है. पीछे है ऐसे यू शेप का एक डिजाइन, नॉर्मल डिजाइन है, उस पे मैंने ऐसे रस्सी भी लगवाया है एंड फुल ब्लाउज में मैंने व्हाइट कलर से पाइपिंग भी करवाया है. दीज आर ऑल मेड बाय माय टेलर. इस ब्लाउज के साथ आप हेवी चोकर या फिर नेकलेस भी पहन सकते हो, बट मैंने आज पहना है ऐसा एक सिंपल ब्लैक पॉलिश के साथ विथ मिरर वर्क एंड कुंदन की लॉन्ग नेकलेस, और उसके साथ ये है इयररिंग की सेट. ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी आप सरस्वती पूजा या फिर वेडिंग फंक्शन के लिए पहन सकते हो सुबह. एंड उसके साथ मैंने एक फेक फ्लावर भी ऐड किया है यहाँ पे. एक्चुअली मुझे उतना ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आता है, जो भी आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो. आज की जो भी लुक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, और मैंने कुछ नया करने की कोशिश किया है. एंड ऑल्सो लुक नंबर 4 पे भी मैंने न्यूड लिपस्टिक ही पहना है, आप इसके साथ डार्क लिपस्टिक भी पहन सकते हो. अभी बात करते हैं लुक नंबर 5 के बारे में. मैंने रखा है येलो एंड स्काई ब्लू की ये वाला कॉम्बिनेशन. मे बी आपने कभी ट्राई नहीं किया है, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लगता है. ये वाला टॉप मैंने अमेजोन से परचेज किया था, ये कॉटन की क्रॉप टॉप है, बहुत ही सुंदर है, इसका डिजाइन मुझे काफी पसंद है. अगर आपको क्रॉप टॉप पहनना नहीं पसंद तो आप इसको एज ब्लाउज पहन सकते हो, इस पे आपको डिफरेंट कलर भी मिल जाएंगे अमेजोन पे एनीवे. बट ये जो स्काई ब्लू कलर है ना, दिस इज माय फेवरेट गाइस. इसके साथ येलो पिंक ब्लैक कोई भी कलर की साड़ी आप पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा. टू कंप्लीट दिस लुक मैंने कोई भी हेयर स्टाइल उतना तो किया नहीं है, सिर्फ मैंने दो रोजेज ऐड किया है येलो एंड लाइट पिंक कलर की. फॉर माय नेकलेस आई वेंट फॉर दिस ब्लैक पॉलिश की हेवी चोकर सेट. ये भी मेरी बिजनेस का ही है बट अभी अवेलेबल नहीं है. इसके साथ इयररिंग की सेट है, दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज. और मुझे ऑनेस्टली ये जो लुक है बेस्ट लगा है आज की 6 लुक्स में से. और आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि इसमें भी आपको ऐसे ब्रॉड डीप नेक मिल जाता है, उसके साथ आप ऐसे कोई भी हेवी नेकलेसेस अगर पहनते हो ना लुक बहुत अच्छा लगता है. अब अगर बात की जाए लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक में है पिंक कलर जो फुशिया कलर होता है, तो मैंने उस कलर का ही एक लिपस्टिक पहना है. एंड आई थिंक ओवरऑल ये जो लुक आ रहा है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है. सरस्वती पूजा में बोलो या फिर कोई भी ओकेजन में बोलो, स्पेशली फॉर समर ये सारी लुक बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ट्राई करके देखो. अब चलिए हम बात करते हैं लास्ट कलर कॉम्बिनेशन के बारे में. येलो एक ऐसा ब्राइट कलर है जिसके साथ आप कोई भी डार्क कलर को मैचअप कर सकते हो. मेरे पास फुशिया पिंक कलर की कोई भी ब्लाउज नहीं था, बट कोई बात नहीं, टॉप तो है, टॉप के साथ भी आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हो साड़ी. मैंने पहना है ये एक पफ स्लीव वाला टॉप, ये भी मैंने आई गेस अमेजोन से परचेज किया था, बहुत दिन हो गया है. ये पॉलिएस्टर मटेरियल में है और स्मॉल साइज में है. टू स्टाइल अप दिस टॉप मैंने इस टॉप को एज ब्लाउज पहना है, नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है और साड़ी को मैंने प्लिट्स करके पहना है. उसके साथ आई हैव एडेड अ बेल्ट जो मैंने शीन से परचेज किया था. इसके साथ आई हैव एडेड अ ब्लैक पॉलिश की अफगानी चोकर सेट जो अगेन मेरी ज्वेलरी स्टोर से ही है. उसके साथ ये इयररिंग मैंने पहना था, ये एक चोकर है जिसको ऐसे पहना जाता है, बट मैंने इसको एज नेकलेस वेयर किया है. एंड आई थिंक लुक काफी अच्छा लग रहा है. ऐसे जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, पिंक येलो या फिर रेड येलो वाइट येलो, ये सब कलर के साथ आप अगर कलरफुल ज्वेलरी पहनते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, लुक और भी ज्यादा उभर के आता है. एंड फॉर हेयर स्टाइल आई डिड अ साइड पार्टिशन और हेयर को मैंने ट्विस्ट किया है एंड पीछे मैंने एक पिंक कलर की रोज भी ऐड किया है, क्योंकि फुशिया पिंक कलर की टॉप है तो ऑफकोर्स फुशिया पिंक कलर की लिपस्टिक ही ज्यादा अच्छा लगेगा. तो मैंने पहना है मामाअर्थ की एक लिपस्टिक, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो दैट्स अबाउट माय टुडेज 6 लुक्स. आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे वीडियो बनाने में काफी मजा आया है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नया ट्राई किया है इस बार. एंड अगर आपको ऐसे वीडियोज अच्छे लगते हैं देन प्लीज लेट मी नो, मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही वीडियोज और बनाने के लिए. और अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन कि आपको कैसा लगा. और अगर आप नए हो मेरी वीडियो पे या फिर अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो पसंद करते हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देन प्लीज प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए. आज की ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगी और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द. तब तक के लिए बाय.